हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे आप लोग हमेशा होंगे वैसे आज लोग आज भी वैसे ही होंगे। ओके सो ठीक है, आपका स्वागत करता हूँ मैं ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस में। मेरे साथ आशीष थपलियाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। चैप्टर 4 का भी 4.2 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, क्लास 10। अच्छा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोशिश करिएगा कि 4.2 पढ़ने से पहले 4.1 में जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा कि 4.1 में क्या क्या क्वेश्चन है। उसमें एक दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक जो ट्रेन वाला है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक जो ये एज प्रॉब्लम वाला है, आयु वाला कोई क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो दो क्वेश्चन जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, सो चैप्टर 4 का 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। अच्छा, बाय द फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो भाई देखो, वैसे तो उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं है जिन्होंने 9th क्लास में थोड़ा बहुत मतलब मन लगा के पढ़ा है, थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड मतलब एक तरीके से आपको इनको स्प्लिट करना है और कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे स्प्लिट करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसको यहाँ पे लेके करते हैं, ठीक है। x²-3x-10=0, ठीक है। अगर 9th क्लास में भी किसी ने बहुत अच्छे से नहीं कर रखा फैक्टराइजेशन, तो कोशिश करो कि यहाँ पे समझ में आ जाए अगर ये, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहला क्या होता है, जो x² है इसको तो देखो यहाँ पे ऐसे रख लो, x² ऐसे रखो, ठीक। ये माइनस है, इस माइनस को ऐसे रखो, एक ओपन क्लोज दो ब्रैकेट ऐसे रखो, इस x को यहाँ पे आप लोग ऐसे रखो, -10 -10=0। देखो सब चीज वही उतार दिया, सब चीज देखो सब चीज वही, x² माइनस का x ये है, -10=0। मैंने एक चीज नहीं नोट करा, क्या? 3। अब मुझे इस 3 को देखो कैसे लिखना है, मुझे इस 3 को ऐसे लिखना है बच्चों, कोई दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो, 10 आता हो, और माइनस करने पे 3 आता हो। मतलब कोई दो नंबर ना, जैसे 10 है, मतलब कोई दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता, तो मल्टीप्लाई करने पे 10 तो बहुत आते हैं, 5 × 2 भी होता है, फिर 10 को लिखोगे आप तो 10 × 1 10 होता है, और क्या हो सकता है, और तो मेरे को नहीं लग रहा कुछ होता होगा। तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन हमें वहीं पे मिलेगा, कहाँ पे? यहाँ पे। तो कोई दो नंबर ऐसे देखो, मैंने लिखा 5 - 2, देखो 5 - 2 करूंगा तो 3 आ जाएगा, और दिमाग में रखो कि 5 × 2 अगर करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे करना नहीं है इंटू, यहाँ पे सिर्फ इस नंबर को तोड़ के ऐसे लिखना है कि कोई दो नंबर ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आता हो और माइनस करके 3 आएगा। तो 5 - 2 3, और 5 × 2 दिमाग में करना है 10, ठीक है। पहला स्टेप तो आपका हो चुका है। अब दूसरे स्टेप में x² को ऐसे रखा, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर, और इस x की भी मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस का 2x, फिर माइनस का 10=0 ऐसा लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, इन दोनों में कॉमन लेना है आपको, कॉमन मीन्स जो दोनों में आता हो। तो दोनों देखो, x² यहाँ पे है, यहाँ पे x है, तो यहाँ नहीं, यहाँ से x बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा x - 5, यहाँ पे ये बचेगा। अब इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे तो x है नहीं, पर यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 भी यहाँ पे है, कैसे? 5 × 2 10, तो 5 × 2 10, 2 आ रहा है ना, तो 2 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा x - 5, यहाँ पे ऐसे बचेगा। अब सुनो ध्यान से, जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में आएगा, अगर इन दोनों ब्रैकेट में कुछ अलग से आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हो। अब देखो, जैसे यहाँ पे x - 5 आया, यहाँ पे कई बच्चे अगर x+5 लिखते तो आपका क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। दोनों ब्रैकेट्स में अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करोगे, एक साथ बाहर लिख लो ऐसे, x - 5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दो कि आप लोग x+2=0। अब कंपेयर कर लो 0 के साथ, x - 5=0, तो x = 5, x+2=0, तो x = -2। तो x की दो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी फैक्टराइजेशन मेथड से, सो हमें निकाल दिया, ठीक है। सो नोट करिए इसको, ओके। एक था क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, तो हटा देते हैं इसको, उम्मीद करूंगा कि समझ में आ ही गया होगा ये क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्लास 9 से भी लगभग लिंक्ड है ये, क्योंकि स्प्लिटिंग क्लास 9th में भी है, अगर जिसने पढ़ लिया होगा अच्छे से तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। अब
क्वेश्चन पहले का ही दूसरा पार्ट करते हैं। तो लिखते हैं इसमें 2x² प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखो पहले क्वेश्चन है, इसमें देखो फर्क क्या है, इसमें x² के साथ कोई कोफिशियंट नहीं है, यहाँ पे 1 के अलावा, इसके साथ 1 के अलावा कुछ नहीं है। पर यहाँ पे देखो x² के साथ क्या है, 2 है मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कहीं पर रख दो साइड में, ऐसे रख दिया मैंने कि भैया 6 × 2 जो होता है 12 होता है, रख दिया साइड में, ठीक है। अब वो क्यों करा है, वो अब देखते हैं क्यों करा है ऐसे। पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, 2x² ऐसे रखो प्लस ओपन क्लोज ब्रैकेट, इस x को यहाँ पे उतारो, यहाँ पे माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या था, 3 था, तो हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए थे जिसका मल्टीप्लाई करके 10 आता हो, माइनस करके 3 आता हो। पर यहाँ पे इस x के साथ क्या है, इस x के साथ देखो 1 है, हर वेरिएबल के साथ 1 होता है, हर के साथ, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब मुझे बेटे कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको माइनस करके 1 आए और इनटू करके 12 आए, तो मैं यहाँ पे ऐसे तो लिख सकता हूँ 4 − 3। देखो 4 − 3 करूंगा तो देखो 1 आ जाएगा, और दिमाग में करूंगा 4 × 3 = 12, तो देखो 12 आना है। पिछले बार वाले पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 10, क्योंकि यहाँ पे x² के साथ कोई नंबर है नहीं x 1 के अलावा, पर यहाँ पे अगर 1 के अलावा कोई भी 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर आता है तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, इसको मल्टीप्लाई करके इसे कहीं साइड में ऐसे रख दो। अब मुझे कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको माइनस करके 1 आए और इंटू करके 12 आए, तो 4 − 3 = 1 और 4 × 3 = 12, ठीक है। अब लिख दो यहाँ पे 2x² प्लस का इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा कुछ, ये मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, देखो इनमें कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, क्यों, 4 के टेबल में तो 2 ऑलरेडी आता ही है, तो क्या लिख दोगे आप, 2 बाहर ले लो, x² यहाँ, यहाँ पे x है, तो 2x बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे ऐसा आएगा। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ये देखो डिजिट्स भी देखना है, साइन भी देखना है, देखो माइनस है यहाँ पे, माइनस है, देखो दोनों में माइनस है, तो पहले मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ, फिर 3 यहाँ, यहाँ पे भी 3 है, कैसे, 3 × 2 = 6, तो 3 मैं बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, x प्लस 2 इज इक्वल टू देखो 0। देखो ना इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो दोबारा वही चीज तो मिलेगी, कैसे, −3 × x − 3x − 3 × 2 − 6, ठीक है। तो हमने माइनस का 3 कॉमन ले लिया। अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन क्या आता था, जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में अगर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही जा रहा है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को उतार के एक साथ ऐसे लिख दो, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में रख दो और दूसरे ब्रैकेट में 2x − 3, तो 2x − 3 इज इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं करना है भाई, अब सिर्फ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2, 2x − 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/2, तो x की दो वैल्यू चाहिए थी तो x की दो वैल्यू मेरे को मिल गई है, ठीक है। सो नोट करिए इसको भी आप लोग, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट थोड़ा सा इन पहले के दो क्वेश्चंस के मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बेटे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनके साथ क्या है, रूट है। रूट वाले क्वेश्चन में तो क्लास 9th के बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है, 10th को तो आएगी क्योंकि अगर 9th में पढ़ा नहीं तो 10th में तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पहले का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये पहले वाले क्वेश्चन, पहले दो पॉइंट्स के मुकाबले में ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है ये रूट वाले क्वेश्चन, ठीक। तो करना क्या है, सेम वे पहला स्टेप जैसे हर क्वेश्चन में कर रहे थे, √2x² + 2 ब्रैकेट से ऐसे लगा दिए x + 5√2 = 0, ठीक है। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन है, फिर आते हैं, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे x² के साथ 2 था तो मैंने क्या करा था, 2 की मल्टीप्लाई 6 से साथ करी थी, तो 2 × 6 = 12 हुआ था, तो यानी कि यहाँ पे x² के साथ कौन सा नंबर है, √2, तो √2 की मल्टीप्लाई मैं किस साथ करूंगा,
फाइव रूट को टू के साथ करूंगा। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक, अगर मैं रूट टू इंटू फाइव रूट टू करूंगा तो दोनों कैसे मल्टीप्लाई होगा, रूट टू इंटू रूट टू होता है टू, और ऑलरेडी फाइव इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या लिखूंगा मैं इसको, टेन ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। रूट टू इंटू रूट टू होता है टू, रूट टू इंटू रूट टू टू, और टू इंटू फाइव टेन। तो अब मेरे को देखो कोई दो नंबर ऐसे चाहिए बच्चे, कोई दो नंबर ऐसे, देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो माइनस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस था यहाँ माइनस है, तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए थे जिनको माइनस करके क्या आना चाहिए था, थ्री आना चाहिए था या वन आना चाहिए था। पर इस पूरे क्वेश्चन में देखो क्या है, प्लस 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 है, तो मुझे कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको प्लस करके क्या आता हो, सेवन आता हो, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, टेन आना चाहिए। देखो ना, फाइव प्लस टू, फाइव प्लस टू क्या हो जाएगा आपका, सेवन, और फाइव प्लस टू सेवन, और फाइव इंटू टू, फाइव इंटू टू कहाँ पे करना है आपको, फाइव इंटू टू जो है टेन, दिमाग में आप लोगों को करना है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप सेम भाई, रूट टू एक्स स्क्वायर, ओके। अब इस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो क्या आएगा, फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो, हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब रही बात कॉमन की, कॉमन में भी आते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन लें, तो मैं फिलहाल देखो इन दोनों में मेरे को अगर मैं रूट या डिजिट की बात ना करूं तो भाई देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो मैं एक्स बाहर ले लूंगा। अगर मैं एक्स बाहर ले लूँ तो अंदर बचेगा मेरे पास रूट टू एक्स प्लस का फाइव, ऐसा बचेगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ इन दोनों में, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में देखो क्या चीज, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स नहीं है, देखो आप लोग ना यहाँ पे एक्स है यहाँ एक्स नहीं है, तो ये तो श्योर हो गया कि भैया एक्स तो बाहर आएगा नहीं। अब यहाँ पे टू है, यहाँ पे रूट टू है, ये ध्यान रखो आप लोग, रूट टू इंटू रूट टू ही तो आपके पास टू बनेगा, मतलब दो रूट टू की मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो टू बनता है। तो अगर इस टू के अंदर दो मल्टीप्लीकेशन में क्या है, रूट टू है, तो अगर मैं रूट टू को बाहर ले लूं बेटे यहाँ पे, तो देखो यहां से अगर रूट टू बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा रूट टू बचेगा, देखो ना रूट टू इंटू रूट टू हो गया टू, और एक्स को ऐसे रखो प्लस का फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट्स में देखो क्या है, सेम सेम एक जैसा है, तो भाई हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। इनको तो आप लोग ऐसे लिख दो, रूट टू एक्स प्लस का फाइव एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, कंपेयर कर लो जीरो के साथ, रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का फाइव अपॉन रूट टू, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट टू, तो एक्स की हमें दो वैल्यू चाहिए थी तो दो वैल्यू हमें मिल गई है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, नाइन्थ क्लास को अच्छे से पढ़ो, नाइन्थ क्लास को अगर बाई चांस ना भी पढ़ पाए हों, अच्छे से नहीं कर पाए अच्छे से, तो क्लास टेंथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर फोर में 4.2 के एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में दो तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आप लोग ऐसे कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग सीख जाओगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस के आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। सो मिलते हैं कल नए वीडियो में, जय हिंद जय भारत और जय उत्तराखंड।